नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रेगनेंसी में हर गर्भवती के मन में एक सवाल और उसके साथ साथ एक डर होता है कि क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम रिलेशन रख सकते हैं या नहीं। इस सवाल के साथ साथ डर भी होता है, क्या गर्भावस्था में सेक्स करने से गर्भस्थ शिशु को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, क्या रिलेशन रखना सेफ है, कौन से ट्राइमेस्टर में सेक्स करना अवॉइड करना है। ऐसे सवाल जो कि गर्भवती कतराती है किसी से पूछने में। तो आइए इन सभी सवालों को एक एक करके समझते हैं, साथ ही साथ हम जानेंगे गर्भावस्था में रिलेशन रखने से क्या क्या फायदे भी होते हैं। हाँ, सही सुना आपने, गर्भावस्था में रिलेशन रखने से फायदे भी होते हैं, तो इस वीडियो में हम वो भी जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और यदि संजीवन गर्भ संस्कार को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ संजीवन गर्भ संस्कार ऐप भी आपको डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकती है संजीवन गर्भ संस्कार ऐप। संजीवन गर्भ संस्कार यह चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, गर्भावस्था में रिलेशन रख सकते हैं या नहीं। आपकी प्रेगनेंसी यदि पूरी तरह से नॉर्मल है, कोई भी हाई रिस्क नहीं है, जैसे प्लासेंटा नॉर्मल पोजीशन में है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, डॉक्टर ने भी आपको रेस्ट करने के लिए नहीं बताया है या रिलेशन रखने के लिए मना नहीं किया है, तो आप पूरी तरह से नॉर्मल है, इसीलिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी रिलेशन रख सकती है। यदि आपकी प्रेगनेंसी मेडिसिन या ट्रीटमेंट के बाद रही हो या बहुत लंबे समय के बाद प्रेगनेंसी कॉज हुई है, तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कांटेक्ट अवॉइड करने हैं। और ऐसे केसेस में आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से सजेशंस भी ले सकती है, उनसे भी आप पूछ सकती है कि आपकी प्रेगनेंसी में आप रिलेशन रख सकती है या नहीं। चलिए जानते हैं कि कौन से केसेस में कॉन्टैक्ट अवॉइड करने हैं या रिलेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम रखनी है। बहुत लंबे समय के बाद यदि प्रेगनेंसी कॉज हुई है, आफ्टर ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी ठहरी है, तो रिलेशन अवॉइड कीजिए। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड यदि ज़्यादा है तो एमनियोटिक सैक जो होती है वह लीक होने का डर होता है, इसीलिए ऐसे केसेस में सेक्स अवॉइड करना चाहिए। प्लासेंटा प्रीविया यानी प्लासेंटा जो है वो बच्चेदानी के मुंह पर यदि होता है, तो इस केस में भी प्लासेंटा रप्चर होके वहाँ पे ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। यदि प्रेगनेंसी में आपको रिकरेंट स्पॉटिंग होता है तो भी आपको सेक्स अवॉइड करना है। आपको यदि बीपी की कंप्लेंट है या मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो भी आपको रिलेशन अवॉइड करने हैं और डॉक्टर के सजेशन से आप डिसीजन ले सकती है। फ्रीक्वेंट यूरिन इन्फेक्शन या वॉइड डिस्चार्ज की शिकायत यदि आपको है तो कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। अभी देखते हैं दूसरा सवाल, रिलेशन रखते समय बेबी को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। नहीं, रिलेशन रखते समय बेबी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। बेबी यूट्रस में एक सैक में जिसके आजू बाजू एमनियोटिक फ्लूइड यानी पानी सा तरल पदार्थ होता है, उसमें एकदम सुरक्षित होता है और यूट्रस का मुंह भी बंद होता है, तो बेबी एकदम सुरक्षित होता है। इसीलिए एंग्शियस ना हो, क्योंकि ड्यूरिंग रिलेशन भी बेबी यूट्रस में सेफ होता है। तीसरा सवाल, रिलेशन के समय क्या क्या ध्यान रखना है। ध्यान रहे, रिलेशन रखते समय आप दोनों की सहमति होनी चाहिए, कोई ज़बरदस्ती ना हो, आप कंफर्टेबल फील करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सेक्स करते समय आपके पेट पे प्रेशर ना आए, इसका भी ध्यान आपको रखना है। इस तरह से यदि रिलेशन रखे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलेशन रखना एकदम सेफ होता है। चौथा सवाल, क्या प्रेगनेंसी में रिलेशन रखने से फ़ायदे होते हैं। हाँ, प्रेगनेंसी में रिलेशन रखने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड स्विंग होना, इन सभी को कम करने में सेक्स मदद करता है। प्रेगनेंसी के दौरान पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी दूरी आती है,
लेकिन सेक्स के माध्यम से यह दूरी भी आप मिटा सकते हैं। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिससे महिलाओं में सेक्स की डिज़ायर भी थोड़ी बढ़ती है, जिससे वह ज़्यादा एंजॉय भी कर पाती है। सेक्स के समय पेल्विक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, वहाँ ब्लड फ्लो भी बढ़ता है, जिसके कारण यह मांसपेशियां मजबूत होती है, और ये मजबूत होने से ड्यूरिंग लेबर पेन या डिलीवरी के समय आपको लेबर पेन लेने में आसानी भी होती है। अक्सर देखा जाता है प्रेगनेंसी में यदि आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो भी अनकंट्रोल यूरिनेशन यानी यूरिन पास हो जाती है। बेबी जैसे जैसे बढ़ता है उसका वेट जो है उसका प्रेशर ब्लैडर पे आता है, तो बार बार पेशाब जाने की भी दिक्कत आपको होती है। जिन मसल को आप डिलीवरी के लिए मजबूत करती है वह मसल्स पेशाब को रोकने और पेशाब निकलने की इस समस्या में भी बहुत हेल्पफुल साबित होती है। इसीलिए खांसने से, छींकने से जो यूरिन अनकंट्रोल पास होती है उसे ठीक करने में भी मदद करता है सेक्स। और एक महत्वपूर्ण बात, स्ट्रेस रिडक्शन करने में भी सेक्स मददगार साबित होता है। गर्भावस्था में कई सारे बदलाव शरीर और मन में होते हैं, जिसके कारण प्रेग्नेंट लेडी को स्ट्रेस एंजाइटी होती है। सेक्स करने से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि काफ़ी हद तक तनाव को कम करने में मददगार साबित होता है। उससे आपको बेहतर नींद भी आती है। तो रिलेशन रखते समय जो बातें मैंने आपको बताई है उन सभी बातों का ध्यान रखकर आप सेक्स का आनंद उठा सकती है गर्भावस्था में। तो गर्भावस्था जो स्त्री के लाइफ में सबसे आनंददायी अवस्था होती है, इस अवस्था का हर क्षण आपको एंजॉय करना है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर पल प्रेगनेंसी का एंजॉय कीजिए। आप आपके गर्भस्थ शिशु को सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी बना सकती हैं संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। तो अवश्य गर्भ संस्कार करिए। धन्यवाद।